हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स, मैं आपके होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज के ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। अ क्विक डिस्क्लेमर गाइस, दीज आर द जनरल रीडिंग्स और यहाँ से जो भी बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें आप उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए। जो बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, जानबूझकर उन एनर्जीज के साथ खुद की एनर्जीज को मैच करने की कोशिश मत कीजिए गाइस। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, यहाँ पर एनर्जीज आई हैं रिन्यूअल, सेवन ऑफ विंटर एंड एट ऑफ ऑटम। तो ये आज की एनर्जीज के थीम के लिए कार्ड्स आए हैं। तो रिन्यूअल वाले एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर बनी हुई हैं। इस कार्ड में लिखा हुआ है रिवीव द पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। तो गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके बारे में सोचना छोड़ दिया है या फिर ये बिल्कुल भी आपके बारे में कोई थॉट्स नहीं रखते, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही लंबे समय से सेपरेशन देख रही हूँ। हो सकता है इस पर्सन के तरफ से आपने कुछ नहीं सुना, काफ़ी टाइम बीत गया, अब शायद आपने इनका इंतज़ार भी करना छोड़ दिया होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी सेवन ऑफ विंटर वाली बनी हुई है। There is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth. आप इनके बारे में यही सोचते हो कि ये एक सच्चाई से भाग रहे हैं। इस कनेक्शन की जो रियलिटी है, जो एक सच्चाई है, उस सच्चाई से ये भाग रहे हैं। अगर इन्होंने आपको एक कमिटमेंट दिया था और इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है और धोखा देकर ये आपसे वॉक अवे हुए हैं, तो आप इन्हें एक चीटर की तरह देखते हो। मतलब इन्हें आप एक चीटर वाली एनर्जीज में देखते हो कि जानबूझकर इन्होंने आप पर एक बिट्रेयल रखा। अगर ये चाहते तो सारी चीज़ों को ठीक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ठीक करना ज़रूरी नहीं समझा। पास्ट में ऐसे इवेंट्स रहे होंगे गाइस जहां पर इनका एक्शन बनता था। अगर कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, यू नो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो आपने हर तरह से सिचुएशन आइदर संभालने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्सन की तरफ से जो भी एक एक्शन बनना था वो कभी बन ही नहीं पाया। इस पर्सन ने कभी लीड लेने की कोशिश नहीं की और आपको, वो कहते हैं ना, बीच समंदर में छोड़कर ये भाग गए। तो एनर्जीज कुछ ऐसी ही लग रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके बारे में कम्प्लीटली सोचना ही छोड़ दिया, बिल्कुल ही आपके बारे में कोई थॉट्स नहीं रखते, भूल गए हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, यू नो मूव ऑन वगैरह कर लिया है इन्होंने, अगर आपको ऐसा लगता है, तो इनकी एनर्जी से तो लगता नहीं है कि इन्होंने मूव ऑन किया है गाइस। ये अभी भी वहीं पर राउंड राउंड घूम रहे हैं, मतलब पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, इनकी प्रेजेंट सिचुएशन जहाँ पर भी ये बने हुए हैं, अगर वहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने आपके ओवर किसी और पर्सन को सिलेक्ट कर लिया था, तो ज़रूर ये वहाँ पर खुश नहीं होंगे गाइस। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी को धोखा देकर, किसी की ज़िंदगी को तबाह करके हम अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो यूनिवर्स आपका साथ नहीं देगा, और अगर बाय एनी चांस वो ज़िंदगी बन भी जाती है, तो वहाँ पर सुकून नहीं होता, वहाँ पर कम्फर्टेबिलिटी नहीं होती, एक खुशी नहीं होती, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं होता। जो कर्मा है ना, वो रिटर्न होने लगता है। मतलब कुछ टाइम तक सब कुछ इनके हिसाब से चलेगा, लेकिन अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, अनफेयर वे में ट्रीटमेंट रखी है इन्होंने, तो इन्हें एहसास होना शुरू हो जाता है। मतलब यूनिवर्स इन्हें पुश करता रहता है। कभी इनकी लाइफ में एक एडवर्सिटी आ जाती है, उस हिसाब से ये पुश किए जाते हैं ताकि ये सोचें कि इन्होंने क्या क्या गलती की है। इवन आपने जनरली भी देखा ही होगा कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ परफेक्टली चल रहा होता है, यू नो एक फेरी टेल वाली ज़िंदगी उनकी चल रही होती है, ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स्ड हो जाती है उनकी ज़िंदगी। फाइन, ऐसा लगता है कि ये लोग तो बहुत ही अच्छे चल रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ इनकी ज़िंदगी में कोलैप्स्ड हो गया? तो वजह ये होती है कि वो जो
एक फाउंडेशन है, किसी की खुशियों के सेक्रीफाइस पर वो जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है वो बनाई गई होती है, किसी को धोखा देकर उस फाउंडेशन को क्रिएट किया गया होता है, कोई तड़प रहा होता है, किसी की हाय होती है, तो यही इनकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली सिचुएशन अभी चल रही है। लाइक शुरुआत में अगर ये आपसे दूर होकर एक सेलिब्रेशन में बने हुए थे कि चलो जान छूटी, बट ऐसा नहीं है, अब ये बहुत दूर तक आकर सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी अपनी ज़िंदगी की, और शायद ये इस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गाइस, रिन्यूअल का मीनिंग यही है कि कुछ यहाँ पर नया ये शुरू करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि पास्ट में इनसे मिस्टेक्स हुई हैं, अब प्रेजेंट में भी ये जहाँ पर भी बने हुए हैं ये शायद उस पर्सन के साथ भी ऑनेस्ट नहीं होंगे। अगर इनका एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो, यानी कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, तो उस पर्सन के साथ भी शायद ये सही तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे होंगे, उनका जो भी हक है ये शायद उन्हें सही तरीके से दे नहीं पा रहे होंगे। तो वजह जो भी है, दे आर रिव्यूइंग द डिटेल्स कि क्या क्या इनसे मिस्टेक्स हुई हैं, और ये पास्ट का एक्सपीरियंस लेकर प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के साथ अपने फ्यूचर को कैसे बिल्ड करेंगे शायद ये सोच रहे होंगे। अगर इवेंचुअली ये आपको कुछ ना दे पाए तो इनको एक एहसास ज़रूर हो चला होगा गाइस कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, फाइन इन्होंने आपके साथ चीट किया है, और शायद ये यही आप इनके बारे में सोच रहे हो। बहुत सारे मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स एक दूसरे के साथ सबकॉन्शियसली कनेक्टेड होते हैं, ये मैंने आपको कई बार मेरी वीडियोस में बताया है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं आप ये सारी बातें ऑलरेडी जानते ही होंगे, राइट? मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि आपके मैस्कुलिन के साथ आपका एक 5D लेवल पर कनेक्शन होता है, सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन होता है, इनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ से जुड़ा होता है, ये मैं आपको बताती रहती हूँ। तो जब आपने इनके बारे में ऐसा थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है अपने अंदर के इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, कुछ टाइम फ्रेम तक आप बहुत पॉजिटिव चल रहे थे, नो डाउट इन इट, राइट? लेकिन आप भी एक इंसान हो, आपको भी इनके बिट्रेयल्स याद आते होंगे, इन्होंने जो भी धोखा आपके साथ किया है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, माफ़ी के लायक नहीं होगा, बट फिर भी आपने अपने अंदर वो एक सहनशीलता लाकर इन्हें माफ़ कर भी दिया था। बट इस पर्सन की तरफ से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जो एक रेसिप्रोकेशन आना चाहिए था, वो आपको अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, और इस पर्सन का शायद आपको एटीट्यूड हैंडल करना पड़ता है, ईगो हैंडल करना पड़ता है, या फिर अगर आप इनके तरफ अपना ईगो साइड हटाकर इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते भी हो तो इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो ये जो बातें हैं आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देती होंगी गाइस, यही मैं देख रही हूँ यहाँ पर, एक गुस्सा है, एंगर है आपका, और इट्स मोर ओवर कि मतलब इस पर्सन पर आप पिटी फील करते होंगे कि मैं इस हद तक इनको समझाने की कोशिश करती हूँ एंड ये जो पर्सन है ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि ये कितना गलत कर रहे हैं, अपने साथ भी, मेरे साथ भी, और यूनिवर्सल लेवल पर भी इतना बड़ा इनजस्टिस ये रख रहे हैं। फाइन, अगर आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके हिसाब से इनकी जो गलतियां हैं वो बहुत बड़ी होंगी गाइस, फाइन, और यही वजह है शायद आप इस पर्सन को माफ नहीं कर पा रहे होंगे, आप उसी एक थॉट प्रोसेस में बने हुए हो जो इन पर इम्पैक्ट डाल रहा है। जब आप ऐसा सोच रहे हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, बिट्रेयल रखा आपके साथ, तो शायद इन पर भी वही इम्पैक्ट जा रहा है और इनको शायद अपनी मिस्टेक्स याद आ रही होंगी गाइस, तो ये सिनेरियो मैं देख रही हूँ। इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स एन एड ऑफ ऑटम एनर्जीज, इट टॉक्स अबाउट डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल और अप्रेंटिसशिप्स, एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो गाइज ये जो एनर्जी प्रोसीड होगी ये शायद आपके मैस्कुलिन की एनर्जी प्रोसीड होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने पास्ट एंड प्रेजेंट को एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कोई स्ट्रैटेजी
ये प्लान कर रहे होंगे, अगर इनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो इनकी फैमिली है, यानी कि अगर कोई लोग हैं, लिटरल लोग हैं जो आपके और इनके बीच में एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहे हैं, राइट, तो शायद उन लोगों के लिए ये एक स्ट्रैटेजी में या फिर एक प्लानिंग में आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मैटर बहुत हद तक ख़राब हो गया होगा, आप दोनों के बीच में फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी, यू नो, तो फैमिलीज़ को कन्वे करने के लिए जो भी एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगती है या फिर जो भी कम्युनिकेशन वगैरह लगता है, तो उस कम्युनिकेशन को ये रखने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच में जिस भी मैटर को लेकर झगड़ा हुआ है या कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वहाँ पर इन्हें उस झगड़े को मिटाने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए जो जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, यू नो, यहाँ पर एक मास्टर या फिर एक समझ लो एक्सपीरियंस्ड पर्सन की बात हो रही है। हो सकता है इन्होंने कुछ तो ऐसी हरकत की होगी जहाँ पर एक इमैच्योर वे में ये शायद आपको शो हुए, यानी कि इनकी जो भी एक एलिगेशन है वो आपको बहुत ही सिली साउंड करती होगी। इन्होंने जो भी बहाने बताए आपके सामने, आपसे दूर जाने के लिए इन्होंने जो जो भी एक्सक्यूजेस रखे, वो एक्सक्यूजेस शायद आपको बहुत ही सिली लगते होंगे, और इन्हें भी वो पता है कि जो भी बहाना आपसे कह रहे हैं वो सच में इनकी इमेच्योरिटी जाहिर करता होगा। तो शायद यही वजह है गाइस कि ये खुद में एक मास्टरी हासिल करना चाहते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्हें बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से, अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, यू नो, इन्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, कहने का ये मतलब है बहुत ही बिगिनिंग से इन्हें सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप दोनों के बीच में हो सकता है सारी चीज़ें मेंड हो सकेंगी। गाइस इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जो भी मुझे वाइब यहाँ से पिक हो रही है, आप दोनों का मैटर बहुत डिफिकल्ट होगा टू रिजॉल्व, यू नो। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको लेकर इन थॉट्स में बने हुए हैं अभी राइट नाउ। पहले तो इनका एक मन कहता है कि आपकी तरफ बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेसिटेशन के आगे बढ़ा जाए, यू नो। जैसे ही ये सोच रहे होते हैं, एट द सेम मोमेंट इनके माइंड में यही ख्याल आता है कि कैसे, यू नो, यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो चुका होगा। जैसे कि आइदर इन्होंने कहकर सब कुछ ख़त्म कर दिया होगा, इन्होंने आपसे ये कह दिया होगा कि अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते चलता हूँ या चलती हूँ, जो भी है, यू नो, ऐसा अगर इन्होंने आपसे एक एंडिंग वर्ड्स रख दिए हैं गाइस, तो अब इन्हें एक, मतलब जैसे कि मैंने कहा ना कि शुरू से शुरू करना पड़ेगा एक पूरी तरीके से, एक होल न्यू स्टार्ट लेने के लिए इन्हें कितनी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। और मैंने जैसे कि कहा कि फैमिलीज अगर इन्वॉल्व हैं तो फैमिलीज को कन्विंस करना शायद इनके लिए बहुत ही बिग लेवल पर टास्क होगा गाइस। इतना आसान नहीं होगा इनके लिए कि सबको कन्विंस करो, दोबारा से सबको मनाओ, यू नो, और इस सिचुएशन को मेंड करो, इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ऑब्स्टिकल्स आप दोनों की लाइफ में बहुत बिग लेवल पर होंगे, खास करके इनके एंड पर इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो शायद इसी स्ट्रैटेजी में ये बने हुए हैं। अगर आप इनके बारे में थॉट्स रख रहे हो गाइस, तो उन्हीं थॉट्स की वजह से इनकी एनर्जीज इस वे में शिफ्ट होती मुझे नज़र आ रही है। एटलीस्ट दे हैव एन आइडिया कि ये कुछ तो करें। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये दोबारा से को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ नए एंड से शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों एक कोलैबोरेशन में आए, चीज़ों को मेंड करें, रिजॉल्व करें, यू नो। वरना तो ये द फूल वाली एनर्जीज में है कि राइट नाउ ये आपके सामने अपीयर हो जाए, इनका मन यही कह रहा है अभी इनसे, लेकिन ये अपने मन की नहीं सुन सकते क्योंकि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़े हैं गाइस, यही मैं देख रही हूँ। जिस किसी की भी ये एनर्जीज हैं उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपके मैस्कुलिन सोच तो रहे हैं कि आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए, बट इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, इन्हें बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिंस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, इनके पाथ पर, इनके रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े हैं गाइस, जो इनको शायद आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो
इसीलिए इन्होंने आपसे ऐसे कहा होगा कि हम दोनों के बीच में अब सब कुछ ख़त्म है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स बने हुए हैं। इनके माइंड में कुछ तो प्लानिंग है, एक समझ लो स्ट्रैटेजी इन्होंने रखी हुई है, बस उस स्ट्रैटेजी पर ये वर्क कर पाए और उस स्ट्रैटेजी को और अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए इन्हें शायद किन्हीं सारे एरियाज़ में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अब ये इमेच्योर वे में एक्ट नहीं कर सकते। अगर इन्होंने पिछले दिनों अगर अपनी फैमिली के सामने भी एक इमेच्योर वे में एक्ट किया था तो इन्हें उस बात का एहसास होगा गाइस कि अब फैमिली को वापस से कन्विंस करने के लिए मुझे बहुत ही सोच समझ कर नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये भी वजह है। यहाँ पर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं गाइस, जो कि मैं सेंस कर रही हूँ, क्लियरली महसूस कर रही हूँ कि इन्हें किसी और लोगों को भी मनाना पड़ेगा, जो भी आइदर इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर जो भी आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द एम्परर जजमेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स की बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो गाइस कि वजह जो भी है, आपको वो वजह पता है कि इस पर्सन की प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। और मैंने आपको बताया भी कि ये जो भी आपसे वजह बता रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिली वजह होगी और शायद इसीलिए आपको उम्मीद है, लाइक डीप डाउन आपके दिल में आपको ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन ने कम बैक करना है मेरी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल। इन्हें कभी तो एक एहसास होगा, कभी तो इन्हें वो फील आएगा कि इन्होंने कितना कुछ गलत किया है। तो जजमेंट वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है गाइस कि दिस पर्सन विल कम बैक, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम, कि आप कॉन्फिडेंट हो कि कभी ना कभी इस पर्सन को आपकी लाइफ में कम बैक करना होगा। लेकिन फीलिंग्स वाइज आप इस पर्सन के लिए ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकलिटी पर आपकी फीलिंग्स इनके ऊपर बेस्ड हैं। अभी शायद इस पर्सन के लिए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस, एक प्रैक्टिकल वे में ही आप सोच रहे हो। अगर इस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी कमिटमेंट रहा है, जैसे कि बहुत सारे लोग इस पर्सन से मैरिड रह चुके हैं गाइस, फाइन, तो ये आपको अपने कार्मिक पार्टनर की तरह शो होते होंगे। इन्होंने इतना कुछ आपकी लाइफ में किया होगा जिसके चलते एक वाइब आपको एक कार्मिक पार्टनर की भी आती होगी, लेकिन ही इज़ योर मैस्कुलिन हियर, जो मैं पिक कर रही हूँ। इस पर्सन की वजह से आपकी भी लाइफ काफ़ी सारे वेज में चेंज हुई होगी, अपग्रेड हुई होगी। तो आप इस पर्सन को अपने लाइफ में इसलिए वापस देखना चाहते हो क्योंकि कुछ जो बातें हैं वो अधूरी रह गई होंगी। आपका और इनका जो भी कमिटमेंट है वो आइदर अधूरा रह चुका होगा, जैसे कि ये सिर्फ आपके साथ एंगेजमेंट करके चले गए होंगे, शादी नहीं कर पाए होंगे, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह जो मैं देख रही हूँ, अगर ये शादी करके गए हैं आपसे, मतलब एक मैरिज के बाद आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, तो इन्हें उस शादी को हर हाल में कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िद है, यूनिवर्स से आपकी ज़िद है कि आप एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हो, कि इस तरीके से आप चीटेड नहीं होना चाहते, राइट? शायद आप यूनिवर्स से यही मांगते होंगे कि ये कैसा इंसाफ है, यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी इस पर्सन के लिए समर्पित कर दी और मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक ज़िद आपकी डिवाइन से भी है, यूनिवर्स से भी है, और मोर ओवर एक कॉन्फिडेंस भी है आपको कि यस, दिस पर्सन हैज़ टू कम बैक, इनको आना ही पड़ेगा। तो इसी ज़िद में शायद आप इस पर्सन को लेकर बने हुए हो, लेकिन फीलिंग वाइज आप आइदर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगे या फिर अभी राइट नाउ आप प्रैक्टिकल लेवल पर चीज़ों को देख रहे हो गाइस। फीलिंग वाइज अगर देखा जाए तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है यहाँ पर, फाइन। तो अब देखते हैं कि हाउ दिस सिचुएशन इज गेटिंग प्रोसीडेड। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, यहाँ पर एनर्जीज आई हैं द सन, द स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन, फोर ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं गाइस कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके मैस्कुलिन जानते हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस रखा है।
अगर कुछ टाइम पहले इनकी आपके साथ कम्युनिकेशन हुई थी तो वहाँ पर भी शायद इन्होंने यही आपसे कहा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो गया है, लेकिन ये जानते हैं एंड नहीं हुआ है। जैसे कि फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज में इन्हें आप देख सकते हो कि ये जहाँ पर भी बने हुए हैं वो सिचुएशन इनके लिए सर्विंग नहीं होगी। गाइस, आपसे चीट करके जैसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, वहाँ पर कुछ टाइम तक चीज़ें अच्छी चली होंगी, लेकिन इवेंचुअली इन्हें एहसास हो गया कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है अपनी ज़िंदगी में, और इस मिस्टेक को सुधारने के लिए इन्हें जो जो भी एक एफर्ट रखना पड़ेगा वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए ये एक हैंगडमैन सिचुएशन में चले गए हैं। अभी भी इनकी यही एनर्जीज में देख रही हूँ, लेकिन जब भी एक हैंगडमैन वाली एनर्जीज किसी पर्सन के साथ अपीयर होती हैं तो इट मीन्स दैट कि ये वहाँ पर भी चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। मतलब इट्स अ कार्ड ऑफ एन अवेकनिंग, यहाँ पर इनकी अवेकनिंग होगी। जैसे कि आप देख सकते हो द स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज हैं, तो ऑफ कोर्स इनके अंदर वो एनकरेजमेंट चाहिए, वो पावर चाहिए, वो स्ट्रेंथ चाहिए ताकि ये सारी सिचुएशन को मेंड कर सकें विद द सन एनर्जीज। ये भी आपके साथ सभी मैटर्स को मेंड ही करना चाहते हैं, ये आपके साथ सुलह ही करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज ही करना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, दैट इज़ वाई कुछ टाइम तक इनकी सिचुएशन ऐसी ही बने रहेगी। गाइस, ये एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, यहाँ पर इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब शायद इन्हें यूनिवर्स पुश करेगा टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। जैसे कि यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो अगर ये एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ाएंगे गाइस, तो आगे का जो रास्ता है वो आप तय करवाओगे इनसे। मतलब बस एक कदम वो मेरी तरफ ले लें, आगे का जो रास्ता है वो मैं तय करूंगी या तय करूंगा, ये आपका मानना है गाइस, और शायद इसी बात का आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पर मैं यहाँ पर यही कह सकती हूँ गाइस कि जैसे कि हमने एयर ऑफ ऑटम की एनर्जीज में भी देखा था कि नेक्स्ट एक्शन के लिए इन्हें अपने अंदर बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव्स इन्हें बदलने पड़ेंगे, शुरू से शुरू करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ भी वही सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है गाइस। नेक्स्ट एक्शन के लिए इन्हें टाइम लगेगा, जब तक ये हैंगडमैन सिचुएशन से पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो जाते, और इनकी ज़िंदगी में जो लोग भी एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहे हैं वो लोग इवेंचुअली इनके पाथ से हट नहीं जाते, तब तक शायद ये आपकी तरफ वो स्टेप नहीं ले पाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये स्टेप कभी नहीं लेंगे, लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम और लगेगा इन्हें। तो इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या सजेशन एंड गाइडेंस है? तो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए साइन आया है द 8th हाउस। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। तो ऑफकोर्स गाइज, इस पर्सन की तरफ से आपको एक बिट्रेयल वाली एनर्जीज महसूस होती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, और इसी वजह से आपने भी इनकी तरफ वही इम्पैक्ट भेजा है। तो इन्हें पता कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपके साथ एक इनजस्टिस वे में ही बिहेवियर रखा है, तो इस एरिया पर आप दोनों ही की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। और मैंने आपको बताया भी, एक अवेकनिंग प्रोसेस में आपके मैस्कुलिन जा रहे हैं, और शायद आप भी कई सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हो गाइस। तो जस्ट आपको खुद में एक बैलेंस लाना होगा, और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बहुत लोगों के लिए ये एरिया भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट ही है, और इस एरिया को आप अच्छे से संभाल लोगे तो एक बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ जाएगा। फाइन, जस्ट अच्छी होप रखिए और अपनी इंटेंस्ड एनर्जीज़ को या इंटेंस्ड इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपकी एनर्जीज हैं वो पॉजिटिवली सरेंडर कीजिए, ताकि जब भी यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ रिटर्न करना चाहे वो भी पॉजिटिव वे में ही हो। एक हमारा बिहेवियर होता है ना मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स का, कि हम यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जहाँ पर हमने भी मिस्टेक्स की होती हैं, हम हमारे मिस्टेक्स को छोड़कर यूनिवर्स पर ब्लेम करते हैं, इवन गॉड पर ब्लेम करते हैं हम। तो ये एनर्जीज़ जो कि आपकी इंटेंस वे में जा रही होती हैं, यहाँ पर एक कंट्रोल बनता है गाइस। फाइन,
तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना है, एक स्टेट ऑफ माइंड से दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में जाने की कोशिश कीजिए। आप अभी जो भी पर्सन हो उस पर्सन को ट्रांसफॉर्म कीजिए, फाइन, एक बेटर वर्जन में, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है। और राइट गाइस, आज का ये जो शिफ्ट है, जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहा है वो इस एनर्जी से जो भी गाइडेंस मिल रही हैं उन गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा गाइस, और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।